आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इस वक्त शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का जो मामला है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। ऐसे में इस मामले में एक नया अपडेट आया है। आपको बता दें कि राज कुंद्रा की आज कोर्ट में पेशी हुई है और पेशी के बाद उन्हें और 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, इस वक्त ये एक बड़ी खबर है कि राज कुंद्रा को वापस से 14 दिन के लिए हिरासत में भेज दिया गया है, क्योंकि अब राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और एक के बाद एक बयानबाजी भी की जा रही है। ऐसे में राज कुंद्रा जो है काफी ज्यादा फंसते हुए इस मामले में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है एक क्राइम ब्रांच की रेड से स्टार्ट हुआ था, जब क्राइम ब्रांच ने देर रात को राज कुंद्रा को उनके घर से अरेस्ट कर लिया था। और इसके पीछे का कारण उन्होंने बताया था कि वो एक ऐप जिसका नाम हॉट शॉट्स है, वहां पर वो अश्लील फिल्में बनाकर अपलोड करते हैं। जिसके बाद इस मामले में आगे जांच की गई तो उनके घर से लैपटॉप और कई सारे करीब करीब 60 से 70 CD भी उनके घर से बरामद की गई थी। जिसके बाद इस मामले में एक के बाद एक लोग बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो पूनम पांडे हो, गहना वशिष्ठ हो या फिर शर्लिन चोपड़ा हो। आपको बता दें कि ये सभी लोगों ने एक तरह से राज कुंद्रा पर आरोप लगाया था कि उनको एडल्ट फिल्म में धकेलने के पीछे राज कुंद्रा का ही हाथ है। इसके साथ आपको बता दें कि अब क्राइम ब्रांच इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस नजर आ रहा है। क्राइम ब्रांच ने इसको लेकर शिल्पा शेट्टी को भी इंट्रोगेट किया, उससे भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इस मामले से जुड़ी उनसे पूछी गई। जिसके बाद शिल्पा शेट्टी ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। साथ ही उन्होंने अपने पति को इनोसेंट भी बताया। उन्होंने कहा कि मेरे पति बेकसूर है, क्योंकि उनके ब्रदर इन लॉ जो है इस मामले में इन्वॉल्व है, क्योंकि जो पूरा ऐप है उसकी जिम्मेदारी देख रखाव सब कुछ वही करते थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी के जुहू स्थित घर में भी छापा मारा था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर शिल्पा शेट्टी से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई थी, जिसमें शिल्पा शेट्टी ने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें इस कंटेंट के बारे में ना इस ऐप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके साथ ही एक और अपडेट इसमें खबर में आई थी, वो ये आई थी कि शिल्पा शेट्टी ने बताया था कि जब क्राइम ब्रांच उनके घर पर गई थी और रेड मार रही थी, जिस वक्त राज कुंद्रा वहाँ पर मौजूद थे, तब शिल्पा शेट्टी को इस पूरे चीज़ के बारे में पता चला कि आखिर इस ऐप में हो क्या रहा था। क्योंकि क्राइम ब्रांच का कहना था कि जब उन्होंने शिल्पा शेट्टी के सामने इस बात को रखा तो शिल्पा शेट्टी राज से चिल्लाने लगी, चीखने लगी कि आपने क्यों किया ऐसा और इसका ये करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि हमारा जो रेपुटेशन है सोसाइटी में वो आपके वजह से खराब हो जाएगा। जिसके बाद क्राइम ब्रांच के लोगों को इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में इंटरवीन करके इनके मामले को सॉर्ट आउट करके उसके बाद राज कुंद्रा को वहां से अरेस्ट करके लाना पड़ा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो है शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें काफ़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि राज कुंद्रा की वजह से उन्हें भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होने के बावजूद उनसे भी पूछताछ बराबर की जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़ा है। ऐसे में आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने एक और बड़ा खुलासा किया, उसमें उन्होंने बैंक ट्रांजेक्शन को लेकर बात कही है, जिसके हिसाब से उन्होंने ये बताया है कि बैंक में जो है भारी मात्रा में राज कुंद्रा के बैंक अकाउंट में, ज्वाइंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन देखने के लिए मिल रहा था। क्राइम ब्रांच हिसाब से उनके अकाउंट में रोज जो है 20 से 30 लाख रुपया भेजे जाते थे। उसके बाद ही उन्होंने अलग अलग अकाउंट्स ओपन करके रखे थे जहां से सारे ट्रांजैक्शन किए जाते थे, क्योंकि उनके पर्टिकुलर एक अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शन नहीं होते थे। साथ ही उन्होंने सिर्फ डायरेक्ट मनी ट्रांसफर का भी सिस्टम नहीं रखा था, उन्होंने अलग अलग वेज अपनाए थे जिसके जरिए उनका जो ये पूरा मामला है इसका खुलासा ना हो पाए। साथ ही आपको ये बता दें कि राज कुंद्रा के पास पहले जो पुराने फोन्स थे उसको भी उन्होंने फेंक दिया था, क्योंकि क्राइम ब्रांच का मानना है कि उस फोन में भी बहुत सारे इस मामले से जुड़े एविडेंस मिल सकते थे। लेकिन जब उन्होंने राज कुंद्रा से उनके पुराने फोन्स के बारे में पूछा तो राज कुंद्रा ने साफ साफ ये कह दिया कि मैंने अपने पुराने फोन्स को फेंक दिया है। ऐसे में क्राइम ब्रांच का मानना है कि जो राज कुंद्रा है उनको इस सारी चीज़ों का, इस मामले को लेकर पहले से तैयारी थी, कि उनको भनक थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे में उन्होंने पहले से तैयारी करके रखी थी, लेकिन इसके बावजूद क्राइम ब्रांच के हाथ में बहुत सारे CDs और DVDs लगे हुए हैं, जिसके आधार पर ये मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद आज जो एक अपडेट आई है वो यही आई है कि अब उनकी जो राज कुंद्रा है उनकी हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। ऐसे में इस 14 दिन के हिरासत के दौरान क्या क्या और बड़े खुलासे इस मामले को लेकर होते हैं ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन इस वक्त ये साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है कि राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि राज कुंद्रा के मामले में कई लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं जो कि इस वक्त आग में घी का काम करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अब ये जो 14 दिन की हिरासत है ये क्या आगे चल के बढ़ाई जाती है, या फिर राज कुंद्रा को कोर्ट की तरफ से थोड़ी राहत आगे चलकर मिलती है, या फिर क्राइम ब्रांच की तरफ से कुछ नए और बड़े खुलासे इस मामले को लेकर किए जाते हैं, ये सब तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें।
हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।